प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं BCCI बोर्ड की तरफ से आई अपडेट के बारे में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि BCCI बोर्ड जो है कई सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है या फिर एडमिशन से रिलेटेड काउंसलिंग करवाती है। तो यहाँ पर आपने अगर जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है ना, तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एक फॉर्म जारी किया जाता है UGEAC, इसका फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग 2024, जो कि जेई मेंस के आधार पे करवाया जाता है और बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ये करवाया जाता है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है जारी किया गया था 13 मई को, और 13 मई तक को जारी किया गया था, और 10 जून तक जो है फॉर्म भरने का डेट जो है निर्धारित किया गया था। बट इसमें चेंजेस किया गया था और मॉडिफाई किया गया था, जो अप्लाई करने का जो डेट था वो एक्सटेंड किया गया था, और ये एक्सटेंड करके 20 जून तक जो है किया गया है ना, 20 जून तक जो है आपका एक्सचेंज किया मतलब बढ़ाया गया, और आपका 22 और 23 जून को यहाँ पे अगर फॉर्म भरने में किसी तरीके का गड़बड़ी हो जाता है तो उसमें आप अपना एडिटिंग कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना एडिट करके यहाँ पे एप्लीकेशन को रीसबमिट किए होंगे जिनका भी ये इशू हुआ होगा। और आज है आपका 25 जून और आज आपका जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा है ना। मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, इसका मतलब कि आपको आपका रैंक दिखाएगा कि आपका कितना रैंक आया है, ठीक है, आपका कितना रैंक आया है, UR से कितना रैंक आया है, आप जो उस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी से आपका कितना रैंक आया है, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है आज के इस मेरिट लिस्ट में बताएगा है ना। यानी रैंक कार्ड आपको सिंपली जारी किया जाएगा, आज शाम 8 बजे तक जारी किया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आपको हर इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर किया जाएगा। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में ये जानकारी दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है आपका कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको सीट पता है कितना है, तो सीट है इंजीनियरिंग कॉलेज में 13,675 सीट, जिस पे एडमिशन होना है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, और फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितना सीट है 13,675, उससे भी कम जो है UGEAC का जो फॉर्म भरा गया, जो डेट दिया गया, उस डेट में उससे भी कम स्टूडेंट जो है फॉर्म को भरे हैं। इसके पीछे दो रीज़न्स है। पहला रीज़न कि ये जो डेट जारी किया गया था BCCI बोर्ड की तरफ से, ये IIT के काउंसलिंग होने से पहले का डेट दिया गया था है ना। जो इंटरेस्टेड थे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टिंग में ही, जिनका बहुत ख़राब रैंक था, वो यहाँ पे अप्लाई किए होंगे एडमिशन के लिए, और दूसरी की जो डेट एक्सटेंड किया गया वो कम से कम इस महीना तक अगर एक्सटेंड किया हुआ होता, 20 जून के जगह पे 30 जून अगर एक्सटेंड किया हुआ रहता, तो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले थे वो थोड़ा बढ़ सकता था। खैर, देखते हैं कितने लोग गो की यहाँ पे रिज़ल्ट आती है, उसके बेसिस पे देखा जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार भी सीटों से कम आवेदन आए हैं। सत्र 24-25 में दाखिले के लिए 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 13,675 सीटों पर नामांकन होना है, इसके लिए जो है करीब 12,000 ही आवेदन आए हैं। मालूम हो कि पंजीयन प्रक्रिया 20 जून को समाप्त हो गई, मंगलवार को मेगा सूची प्रकाशित होगी, यानी आज का डेट यहाँ पे दिया जा रहा है क्योंकि आज मंगलवार है, 25 जून है, आज जो है किया जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है, मेगा सोचे बीसीसी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो मेरिट लिस्ट होगा यानी जो रैंक आपका जारी किया जाएगा वो बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख पाएंगे, लेकिन अभी नहीं, आज शाम तक आप देख पाएंगे। वही बीसीसी जो है अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है ना, जो कि आपका 14 जुलाई को एग्ज़ाम्स इसका होने वाला है। एडमिट कार्ड जो है बीसीसी का खुद का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी ग्रुप वालों के लिए, तो उसका एडमिट कार्ड 28 जून को जारी किया जाएगा और 14 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो है टोटल जो आवेदन आए हैं पीसीएमबी ग्रुप के लिए वो 21,000 छात्रों ने जो है आवेदन यहाँ पे किए हैं, लेकिन इससे काफ़ी कम नामांकन इंजीनियरिंग कॉलेज में ले पाते हैं। 21,000 कैंडिडेट आवेदन तो किए हैं लेकिन जो एडमिशन लेते हैं वो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो एडमिशन लेते हैं। लेकिन इस जेई मेंस में शामिल छात्रों को नामांकन होता है 2 चरणों के बाद, बची हुई सीटों पर बीसीसी की ओर से आयोजित परीक्षा के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थियों का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होता है। तो पहला राउंड तो आपका आएगा है ना, काउंसलिंग का प्रोग्राम तो अभी नहीं दिया है क्योंकि काउंसलिंग तो आपका ऑनलाइन ही होगा, लेकिन काउंसलिंग का प्रोग्राम तो अभी नहीं दिया गया है कि कब से आपको ऑनलाइन करना है। अभी तो सिर्फ रैंक कार्ड जारी किया जाएगा है ना, अभी रैंक कार्ड जारी किया जाएगा कि आपका कितना रैंक यहाँ पे जो है निर्धारित किया गया है, आपका ऑल इंडिया रैंक कितना था और उसके हिसाब से आपके स्टेट में कितना रैंक निर्धारित किया गया है ये आपको जो है बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखनी है कि कहाँ पे क्या सीटें आती है। मुजफ्फरपुर में जो है 355 सीटें हैं, बाकी सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में 360 सीटें हैं। गया इंजीनियरिंग कॉलेज में 40 सीटें जो है आपका ज़्यादा है आर्किटेक्ट कोर्स के लिए, और एपीजे अब्दुल कलाम वाला में भी जो दरभंगा में 120 सीटों पर दाखिला जो है यहाँ पे होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।